तू हवेली जा, एक बात बिल्कुल खास ख्याल रहे, वहाँ ये ना महसूस होने पाए कि तेरी आंखों में रोशनी आ गई है। ठीक है भैया। तेरा काला वाला चश्मा कहाँ गया? वो रखा ही। अपना चश्मा लगा कर जाना, ठीक है? ठीक है भैया। और डरना नहीं जरा भी, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ हवेली। ठीक है। वो लोग तेरे साथ क्या करते हैं, कैसे सलूक करते हैं, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। और इसके बाद अगर मैंने पार नहीं पाया उन लोगों से, तो फिर कानून हमारी मददगार है, कानून हमारी मदद करेगा। ठीक है भैया। जा बहन। ठीक है भैया। जा। और अब मैं भी चलूं, क्योंकि अपनी बहन को हवेली अकेले भेजकर अच्छा तो नहीं किया, लेकिन लेकिन इसकी इमदाद के लिए मुझे तो जाना ही होगा। अरवा चंद्रमा है काशी में और मथुरा चिटकू भयार और खुल गई पेड़ी सारे हमारे काटो करोड़ा सभी दूर हो गए। तो महाराज को मेरे साले को सीधे सुरधाम भेजा और फूल सिंह को मौत की सजा दिलवाया। रेखा का वो हाल क्या कि हराम को दर दर भीख मांगती होगी, अपने जीवन की दुआ मांगती होगी। और अब महारानी के पास चलता हूँ और महारानी से मुलाकात करता हूँ। चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ मेरी जान, क्या हाल चाल है? अरे इतनी समय तो खुशहाल हूँ। खुशहाल हो? आओ गुलाबो, हमार तुम बैठे और बैठ कर के मजा रहे। और कभी तेरा ये रखवा कहाँ से आ गई रे? कौन सेनापति? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों रे अंधी, यहाँ तू फिर आ गई? माँ मुझे दिखता नहीं तो क्या करूँ, ढूंढते ढूंढते फिर हवेली आ गई। दिखता नहीं तो कहीं मर जा। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। रेखा, मैं उस दिन तुझे मना रहा था, तूने मेरे साथ दगा किया, लेकिन आज मेरी चौखट पे आ गई मेरी जान।
क्यों बे हराम जादे? क्यों पिताजी? क्यों रे भूजा? क्या है? तू फिर आ गई? अरे तेरी नास हो जाए, तेरी बुद्धि देने आई हूँ। और पहचान इधर। इसे ही कहते हैं कि छुछुंदर के सर पर न भाए चमेली और कहीं राजा भोज कहीं गंगूठी। देखा तेरी हमारी हमारी तुम्हारी कोई बगावत नहीं है। अच्छा, जो बगावत है महारानी से, वो तो महारानी जो कुछ कहती थी हम करते थे। अच्छा, तुम कहो, जिसको कहो उसको हम मार दे। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल कहेंगे। जरा सुनील, ये इसके जरा पोशाक उतार, इसके बदन पे अच्छे नहीं रखते हैं। ये रंडी क्यों है वो? तू तो हमारा आदमी है, गधे के सर पे ताज नहीं अच्छा लगता। मैं तुम्हारा आदमी हूँ। बेसाले हमारे साथ रहता था, हमारा रुपया खाता था, हमारा तो आदमी है। मैं तुम्हारा आदमी हूँ। अपने आदमी तो अपने मेहरिया का बल भर कहाँ था? बेवकूफ कहीं का, तुम्हें तो कहा तू मेरा आदमी है, हमारे साथ रहने वाला आदमी था। ये कपड़ा इनका उतार दे, जाके मैं धोवा लाऊं इनका वरना हरवास। अच्छा हुआ बेटवा तुम आ गए हो यार। अरे क्या हो रहा मम्मी यहाँ पे? अरे देखो ना क्या कौन डरा रहा तुम लोगों को? अरे कल तो यहाँ पनीर पूरी सब्जी मिली है, आज यहाँ बकरे का इंतजाम है। तो बकरा गिराने के लिए यह मिस्त्री लोग आए हैं, इसके बाद खा पी करके। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये मिस्त्री नहीं है, बकरा नहीं, ये बकरा काटने वाले मिस्त्री नहीं है, सेनापति। ये आदमी हलाल करने वाले कसाई है। अरे यार बकरा नहीं, जब से तमाशा शुरू हुआ मैं फुलाए दिए रहे। अच्छा आपने फुलाया है? हाँ, वही इसे जरूर दे देना। वही फूलती है, बस कहो तो बस शुरू। भैया कौशल एक काम करेगा मेरा? भैया आप सिर्फ आज्ञा करिए। हंटर उठा, इसके जिस्म में इतने हंटर पड़ने चाहिए, इतने हंटर कि बदन में खाल न रह जाए। साहब कौशल भैया जी बहन, इससे पूछो कि तुम्हारी माँ से और इसका क्या रिश्ता है? हेलो, और ये आ गए हमारे घर मालिक साहब, 21 रुपया देते हैं। कहा थे या रात भर सीठी मारी सी, अभी हम इसकी सीठी बंद कर दें। अरे मैं तो कहा तो वह सीठी क्या पत्ते ना इसले आओ, पत्ता नहीं पूरी सीठी ही खराब कर देंगे। खाली हवा भर घर हमारी सीठी बंद कर देगा तो तुझे कौन बुलाएगा बे? ओ, काई का? अबे माही का यार बुलाई है हुआ के
पुड़िया वाले पन्ना, कोई नहीं बुलाएगा, पन्ना विश्वकर्मा जी समझे। अरे साले तू भगवान नहीं है, है? बे भगवान तो क्या है, कोई हम दूसरा से ज्यादा है बे, कोई दूसरा नौकर रख लेंगे। भगवान क्या होता है, ज्यादा मत बोल, तेरे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। ये बता इस औरत से तेरा क्या संबंध है बे? क्या ये जो बैठी हुई है, इसे पूछ है? इसे तो पूछ, मुझसे मत पूछ, तुझे तेरी माँ है यारी, तू पूछ, तेरे जुबान सारे। अरे राजकुमार जी, हंस के चले सिसिक के रुआवें, निहुर जाए गुठुआ टुआवें, औका छिनारे ढोल बजावें। सही कहता है हरक सिंह। अरे यार, अरे ऐसी माँ और ऐसी औरत को जीने का कोई अधिकार नहीं है। अरे जो अपने परिवार अपने खून को गंदा रास्ता दिखाए। शरम तो खाओ, शरम तो खाओ लाल हंस, तुमको सहपाल के पड़वा कर देगी, आज का तो कोई हक नहीं है। हराम जादे। नाने से सेल पाल के तुमका बड़ा कैदी, यहू तो देखियो कौने कौने चक्की आटा खाए हो, हैं? यहू तो कौने पता नहीं ना। तो नहीं साले तू सीढ़ी बजाएगा। अरे मैं कहा, राजकुमार जी, राजकुमार बोल, वाया सोथर की लिल्ली घोड़ी का तो उठाओ उसे। बुरा भाई, बुरा ठाड़ हो, बजा सीटी यार। भैया सीटी बजा, सीटी हमारी कोई गलती नहीं है राजकुमारी जी, हमारी कोई। राजकुमारी जी तुम इनसे मिलो, मैं इनसे मिलत, और हो रात भर तो पांचों अंगुरी घूमा रही हैं। अब का हाल केरे नागा नहीं था ना, या नागिन ना, या दुई मुही आए के दोनों का मुंह है। सही कहा। अरे बड़ी है तो हेलो बहन हड़क सिंह, इसको साले को समाज में ले जाओ, नंगा करके मारो साले को। अरे बड़ी है मुझे अर्था इंतजार, इसके लिए दिल का बेकरार, वो घड़ी आ गई
भैया अपना छोड़ दिया। इसकी सीटी बंद करो, पहले सीटी बंद कर दो हरामजादे की। अरे मारूंगा, यहाँ मारूंगा, हदगाम में निकलेगी। यारे भैया हम काम आप कर दिया यार, आज के बाद हम कहो ऐसा काम न कर यार। माफी मांगना चाहता है, नहीं करेंगे यार। माफी मांगना चाहता है तो ये आई हुई समाज से माफी मांग। और खाता माफ कर दो मेरे बड़ के भैया। जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो मेरी बात सुनो, जो मैं कहना चाहता हूं गौर से सुनो। जी भैया। और मंत्री को इस घड़ी और कर दो जिंदा, कमर तक जमी में और कुत्ते शिकारी बुला कर यहां। आज मेरी मौत हुई तो जिंदा। चाकी रही भावना जैसी, तिन मूरत देखी प्रभु तैसी। जिसने जैसा किया वैसा उसे फल मिला मेरे भाई। अफसोस मुझे भी है कि आज हम तीनों बच्चे माँ बाप से जुदा हो गए। हाँ भैया, लेकिन मेरे भाई शायद इनके कर्मों की यही एक सजा थी। भैया अगर इन्हें छोड़ा जाता था तो शायद समाज हमें दोषी ठहराती। तुम ठीक कहते भैया। जो महाराज, जो रियासत के राजकुमार अपने परिवार का फैसला नहीं कर सकते, वो समाज का क्या फैसला करेंगे। सही मेरे भाई, पूरे रियासत में समाज सिंह राजधानी की बदनामी होती भैया। अब एक काम करना होगा इंस्पेक्टर साहब। अरफोल सिंह जी, जी 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 नहीं, मैं छह से रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजूंगा, मैं थाम लूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और एक बात कौशल भैया, और जी भैया बहुत ही जल्दी में, बहुत हाल फिलहाल में हमारे जीजा जी की और हमारी बहन जी की शादी हुई है। जी जी। इसलिए अब हंसी खुशी के साथ पूरी हवेली को सजाया जाए और हमारी बहन की शादी धूमधाम के साथ जीजा जी के साथ होगी। ऐसा ही होगा। और तिरंगा शान से लहरा रहा।
ग्रह मनाया जा रहा है। शुक्ला जी भरत सिंह इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इसे किसी नाले में फेंकवा देना, जैसी करनी वैसी भरनी। हम तो कई साहब एक फेंकवाओ ना एक लाई जाके हम चार छह पूरा पैरा से भूंज के 100 रुपया किलो का बेच ले भूसा। अबे बेको ले आओ इसको। और मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ थाने, ठीक है? तुम लोग चिंता नहीं करना, आप क्षेत्र अधिकारी हैं, आप ऐसे ही रिपोर्ट बनाकर ऊपर वाले अपने सक्षम अधिकारियों को देंगे, वही सर्वमान्य होगा। बस आप चाहें तो हमें बचा सकते हैं, आप चाहें तो हमें कारागार में डाल सकते हैं। आप घबराइए नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों पे कोई आंच नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कौशल एक बात तो भूल ही गया। क्या भैया? पूजा। अरे वाह, देखो ये तुम्हारी होने वाली भाभी है, मिल लो एक बार इससे भी। और जीजा जी आप भी मिल लीजिए। हम तो सब दिन मिलते ही रहेंगे, कोई बात नहीं है। आप देवर भाभी मिले। यह बताओ क्या ठीक है? आपने अपना फर्ज अदा किया, लेकिन इतनी तेज से अद्धा नहीं मारा जाता है सर पे। क्या करूं, उस समय तुमने बात को टाल रहे थे। अच्छा, तुम सही कह रही हो, कोई भी होता तो ऐसा ही करता। क्यों नहीं, भगवान और ये कैसी लीला तेरी और कैसी माया रची है निरंकार ने, और कब के बिछड़े हुए आज और फिर से मिले।